हेलो, यू आर वाचिंग एनएल फर्नीचर्स। ये सर 3500 रुपए की है, ये हमारी सर जबरदस्त। ये सर 4500 रुपए की, 4500 की होगी। वही 18000 वाली हमारी जो डाइनिंग है ना। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं उसी स्टोर जहां प्योर टीक वुड का फर्नीचर बहुत ही कम दाम में मिलता है। स्टोर का नाम है उमा फर्नीचर, जो कि लोकेट करता है एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर में। यहाँ आपको हर तरह का फर्नीचर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे डाइनिंग टेबल्स की, और यहाँ आपको सबसे कम दाम में डाइनिंग टेबल मिलेगा, क्योंकि सर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ साथ अपना ही टिम्बर यानी लकड़ का स्टोर एंड वेयर हाउस है, तभी ये स्टोर इतनी अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर कम दाम में दे देते हैं। और आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते हैं और आपने पहले इनसे कभी फर्नीचर लिया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर दें इस स्टोर के ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको न्यू स्टाइल ऑफ फर्नीचर के साथ साथ न्यू स्टाइल ऑफ होम डेकोर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं उमा फर्नीचर के ओनर मिस्टर उत्तम जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनएल फर्नीचर्स पे। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है आपके स्टोर की, तो अभी जो लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग आपको जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी और अपने प्राइस के लिए, ठीक है। और जो कुछ नए हमसे अभी जुड़े हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो अपने और अपने स्टोर का दे दीजिए प्लीज़। मेरा ये उमा फर्नीचर है, A14 WHS कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में है। तो काफ़ी पुराना है हमारा, और हमारा टिम्बर का और उससे सारा जुड़ा हुआ रिलेटेड है सारा फर्नीचर का। और जी, और इससे पहले हमने आपके चैनल में दो वीडियो डाले हुए हैं जी, और दोनों वीडियो में बहुत 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 रिस्पांस मिला है। और सर, एनएल फर्नीचर ये आपका जो चैनल है उसके लिए खूब खूब आभार हमारा हमारी तरफ से, क्योंकि हमें काफ़ी रिस्पांस मिला है इस चैनल से। क्योंकि इसमें जो आप दिखाते हैं वो बिल्कुल क्लियर जो चीज़ होती है वही दिखाते हैं, और लोगों को ये पसंद आया है। लोग आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, इतने फ़ोन कॉल आते हैं, कुछ पिक भी मंगाते हैं। इसलिए दोबारा आपका बहुत 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 धन्यवाद। और जो इस चैनल के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास, जो भी कस्टमर आ रहे हैं, उनके लिए भी खूब 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 उनका आभार मैं प्रकट करता हूँ। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और हम उनको अच्छा अच्छा जो भी उनको चाहिए, उनको जैसा टेस्ट है वैसा उनको हम प्रोवाइड करते रहें आगे भी। तो सर, उस पहले सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं सर, तारीफ़ के काबिल ही है, मैं झूठी तारीफ नहीं करता सर, इसमें है ही। वाकई आपके चैनल के थ्रू हमें बहुत लाभ हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आपने दिखाया कुछ और यहाँ कुछ है, जो आपने दिखाया वही कस्टमर ने पाया यहाँ, इसलिए बड़े खुश होके जा रहे हैं। जी देखो सर, लाभ आपका तो हुआ, तो लाभ मेरा भी हुआ, क्योंकि आपकी वीडियो बनाई तो मेरे चैनल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ठीक है, तो बात करते हैं हम वापस अपने फर्नीचर की। तो जैसे पहले हम सोफाज दिखा दिए, हमने चेयर्स दिखा दी सर, रेजिडेंशियल चेयर्स, ठीक है। तो आज क्या दिखा रहे हैं आपको? सोफा और चेयर्स दिखा दिए। हाँ जी, हाँ और जी। आज की वीडियो में हम आपको डाइनिंग चेयर्स और डाइनिंग टेबल। ओके ओके, तो आज का हमारा सेटअप डाइनिंग चेयर्स एंड डाइनिंग टेबल से होने वाला है। जी तो ठीक है, वैसे काफ़ी आपके कलेक्शन है। आपका एक स्टार्टिंग प्राइस बता दीजिए, आपका डाइनिंग टेबल का क्या रहता है? सर, हमारा डाइनिंग टेबल का स्टार्टिंग प्राइस है 18000 रुपये। अच्छा, 18000 रुपये से डाइनिंग टेबल मिल जाएगा? बिल्कुल, विद चेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, विद चेयर्स। और मैक्सिमम की चलो कोई लिमिट ही नहीं होता? हाँ, वो तो सर आप जैसा कस्टमाइज करवाएंगे, जैसा आप करेंगे वैसा है। अच्छा, तो करें स्टार्ट सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, पहले सबसे पहले वही 18000 वाली हमारी जो डाइनिंग है ना, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें सर 4 चेयर्स है। ओके, ये है जो छोटा सा जिसका घर होता है सर, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये राउंड में है जी, ये 3x3 के राउंड में है आपके। ओके, और इसमें जो लेग्स हैं ये टीक के हैं सारे। अच्छा हाँ, और ये जो इसकी चेयर्स भी है ना, सारी टीक की है, पूरा टीक है सर, एमपी टीक जिसे कहते हैं ना, वो ही है इसमें, ये चारों चारों। और ये अपने आप अंदर भी क्लोज हो जाती है, इसलिए छोटा सा जो भी जैसे जगह की कमी हो या कम जगह हो उसके लिए, उस स्पेस के लिए बहुत बढ़िया है ये डाइनिंग सर जी। तो ये हमारा एक तरह का स्पेस सेविंग फर्नीचर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सर, और काफ़ी कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल हमारा। हाँ जी, जिसके घर में बड़ी जगह नहीं होता, क्योंकि देखो कुछ शहरों में ना बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, तो बिल्कुल के सबसे बेस्ट है ये, बेस्ट है। और प्राइस भी एकदम बेस्ट है, 18000 रुपये। बिल्कुल 18000 रुपये। और आप गारंटी लो ना लो आपकी मटेरियल की, लकड़ की, मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपकी दुकान जो आपकी शॉप है टिम्बर की, बिल्कुल, और प्लस आपकी गोदाम भी देखा है, क्या आप क्वालिटी रखते हैं। बिल्कुल। तो ये 18000 रुपये का, इस पर पॉलिश कौन सी हमारी?
मेलामाइन, हाँ मेलामाइन ग्लोसी हुई हुई है इसमें। ओके ओके, मेलामाइन ग्लोसी हो रही है। हाँ मेलामाइन ग्लोसी हुई है, ठीक है। 18,000 हो गया। अब क्या दिखा रहे हैं इसके बाद? इसके बाद एक और राउंड टेबल है, सेम इसी टाइप की है सर। इसमें जो ये है ना, ये चेयर्स पूरी टीक की है। अच्छा अच्छा, ये पूरा टीक जी जी। हाँ सारा आप टीक के रेशे देख लीजिए, आज एमपी टीक के रेशे ही जो है ना वही बिल्कुल दिखते हैं आपको, एक एक रेशा दिखेगा इसमें। जी जी जी। और इसके इसका जो पाया भी है ना सर, जी। ये पाया पूरा टीक का बना हुआ है, आप उसको गौर से देखिए, सारा बिल्कुल टीक में है। और ये भी एमपी टीक में है, और ये राउंड्स में ही है, 3x3 में ही है ये भी। अच्छा हाँ जी, ये भी छोटा सा जैसे जगह की थोड़ी सी कमी हो, फ्लैट हो, उसके लिए है। ये 30,000 रुपये की है। अच्छा, ये 30,000 रुपये की। हाँ जी हाँ जी, ये वही सेम हमारी पूरी एमपी टीक में। एमपी टीक इस पर पॉलिश कौन सी है? हाई ग्लोस पीओ। हाई ग्लोस, हाँ हाई ग्लोस पीओ, क्योंकि मेलामाइन अलग है। मेलामाइन, हाँ ये मेलामाइन ग्लोसी है, ये हाई ग्लोस। हाई ग्लोस की अलग ही चमक दिख रही है। हाँ जी हाँ जी सर, यह हाई ग्लोस पीओ की, और हमारी 30,000 रुपये की। हाँ जी बिल्कुल। तो 18,000 30,000, हाँ जी। प्राइजेस आर नेगोशिएबल, उसमें कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं? थोड़ा सर हल्का फुल्का है, ज्यादा नहीं हो सकता है। हल्का वो सिर्फ हमारे लिए है, जो हाँ जी बिल्कुल हमारे थ्रू आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफलाइन के लिए मेरे ख्याल से नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, ठीक है। और क्या दिखा रहे हैं इसके बाद? सर इसके बाद ये देख लीजिए, हमारी ये 5x3 में है। अच्छा 5x3 में, 4x4 के लेग्स है इसके। ये भी एमपी टीक में ही है सारी, और भी सारी टीक में है। थोड़ा सा यहाँ हल्का सा अच्छा जाली काटी हुई है। अच्छा, थोड़ी सी अलग हल्की सी डिजाइन अलग टाइप की दी हुई है। 5x3 में है। अच्छा हाँ, और एक इटालियन पत्थर है इसमें। तो ये हमारी 5x3 की टेबल है। 5x3 की है, 6 चेयर हो जाएगी। हाँ, और इस पे ये सीएनसी वर्क हो रखा है टॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी एमपी डीक में रहने वाली है। एमपी डीक में। अच्छा, तो 5x3 एमपी डीक पॉलिश, पूरा पॉलिश टीक में, इसमें जो है पॉलिस्टर पॉलिश की हुई है। अच्छा अच्छा, इटालियन पे, और इसमें मेलामाइन है। अच्छा, मेलामाइन ग्लोसी है। और इसमें मेन चीज, एक चीज बहुत अच्छी है, फैब्रिक क्विल्ट होती है, जैसे एक मशीन से करी जाती है, एक हाथ से बनाई जाती है। ये ऑलरेडी कपड़े पे ही क्विल्ट है, क्विल्ट है। हाँ, क्विल्टेड वाला कपड़ा है ये। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं? ये सर 65 का है, ये पूरा 65,000 का। 65,000, ठीक है। हाँ, इस कपड़े का मतलब फैब्रिक का प्राइस क्या है इसका? लगभग समझ लो ना, वही 300 से 350 रुपये पर मीटर है। पर मीटर है इसका, ठीक है। और आपकी वारंटी क्या रहती है डाइनिंग टेबल्स पर? इसकी सर वारंटी में तो, इसमें तो कहीं जोड़ ओड़ हिल जाता है वो वारंटी होती है, बाकी तो इसमें कुछ होना कोई नहीं। हाँ जी, कुछ हाँ नहीं। हल्का कहीं जोड़ हिल गया, कर गया, तो वो हम करके दे देते हैं। कुशनिंग की? हाँ कुशनिंग की, वही 5 साल की है इसमें, जो गद्दी की जो रहती है ना, ठीक है। आगे भी हमने दी हुई है, 5 साल की वारंटी है। नेक्स्ट में आइए सर, नेक्स्ट में हमारा एक एक ग्लास टॉप पे है। अच्छा, 12 mm का ग्लास है। अच्छा अच्छा, डिजिटल प्रिंटिंग हुई है इसमें, और आप वर्क देखिए इसमें, पूरी कार्विंग करी गई। हाँ जी है। हाँ जी, पूरी कार्विंग नकाशी करी गई है। हाँ जी, नकाशी है। 6x3.5 की है ये। अच्छा, हल्की सी थोड़ी चौड़ी है उससे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज मेरे को इसकी टॉप पे लगी है, ये क्या श्वान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ड बना रखा है ना। हार्ड बना, दिल बना रखा है। दिल बना रखा, सही है, दिल वालों के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इसमें भी हाई ग्लोस पॉलिश हुई है, प्यू पॉलिश है इसमें। अच्छा, हाई ग्लोस। हाँ जी हाँ, प्यू पॉलिश हुई है इसमें। हाँ जी हाँ जी, और ये भी सारी पूरी टीक की है सर। हमारे पास एमपी टीक सिवा होगा ही नहीं कुछ भी जी। हाँ, सर हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया वीडियो में, हाँ जी, कि आपकी क्वालिटी गारंटी मैं लेता हूँ, बिल्कुल। मैंने आपकी गोदाम, आपकी दुकान देखी है, आप क्या क्वालिटी की सागवान रखते हैं। नहीं तो कई कई जगह पे सफेद कलर की सागवान होती है, जिसको घाना बोला जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, घाना होता है, नाइजीरिया होता है। हाँ जी हाँ जी, कोई एवरी एवरी करके भी कुछ एवरी घाना नाइजीरिया, साउथ अफ्रीकन टीक होती है सारी। सारी लो क्वालिटी की होती है। लो क्वालिटी होती है, उसमें मॉइस्चर भी ज्यादा होता है, फटती भी है। ये फटेगी भी नहीं। किसी को नाम के लिए टीक चाहिए तो ये घाना वाना लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को क्वालिटी के लिए टीक चाहिए तो हमारी एमपी नागपुर टीक लगाए। नागपुर टीक, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये आपको सर 75,000 का पड़ेगा। ये 75,000 का ये टेबल 6x3 का। और इसका मेन जो इसकी खासियत है, इसकी कार्विंग, चेयर्स की शेप भी काफी अच्छी लगी मेरे को, साथ ऊपर एक हार्ट बना रखा है। बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल। तो और क्या दिखा रहे? बेस जो है इसका मिडिल में है बेस। अच्छा हाँ जी, मिडिल बेस है और इसमें प्यू पॉलिश हुई है। ओके, तो मतलब बेस हमारे मापा प्लाई में हो गया। प्लाई में हाँ। और नीचे मेटल में ऐसे इसका स्कर्टिंग बोल सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये 5x3 में ही है। अच्छा, और इसकी इसके साथ ये वाली इस टाइप की चेयर है, ये फ्लेक्सी चेयर होती है। अच्छा अच्छा, फ्लेक्सी प्लाई में बनाई जाती है, फ्लेक्सिबल प्लाई जिसे बोलते हैं। ये पीछे से जो इसका कर्व होता है ना, ये फ्लेक्सी प्लाई आती है। हाँ जी, उसमें ये बनता है। ओके, और इसके जो लेग्स है ना, वो टीक में, एमपी टीक में ही बने हुए हैं, उसमें एसएस का कैप दिया हुआ है उसमें। अच्छा, ये भी काफ़ी आजकल रनिंग में है, चलती है।
और काफी ट्रेंड में ये चाहिए। हाँ जी हाँ जी, 5x3 का इसका टॉप है, इसके ऊपर है ओनेक्स मार्बल है व्हाइट में। ओके, व्हाइट ओनेक्स हो गया, व्हाइट ओनेक्स है जो कंपोजिट है जी, कंपोजिट मार्बल हो गया। हाँ कंपोजिट है। कंपोजिट एक और बता सकते हैं, कंपोजिट और ओनेक्स में क्या फर्क होता है? ओनेक्स ओरिजिनल ओनेक्स और ये कंपोजिट, ये जो है ना ये केमिकल और सब मिलके इसको बनाते हैं, मैनमेड आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हो आप। और वो जो ओरिजिनल होता है, लेकिन ओरिजिनल इसलिए हम ज्यादा नहीं लगाते कि ओरिजिनल जो चीज है ना धीरे 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 वो निकलती है साइडों से, टूटता है, हल्का हल्का झड़ता झड़ता है, हाँ झड़ता है, झड़ता है, तो वो दिक्कत आती है। वो एक्चुअल में क्या है, टॉप में ना लग के कहीं जैसे दीवार में लगाना हो या होटलों में कहीं लगता है साइडों में, उसके पीछे लाइटिंग कर देते हैं, लाइटिंग कर देते हैं, तो उसके लिए ठीक है। ये रोज यूज होना है ना, इसमें रोज कपड़ा लगना है, सब होना है, इसलिए कहीं ना कहीं जरा सा हल्का सा कहीं निकल गया तो वो निकलता रहेगा। इसलिए कंपोजिट ही बहुत ही बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। प्राइस क्या रहता है सर इसका? 70 है, 70,000 है इसका प्राइस। 70,000 में ऑनेक्स वाला मेटल किस कटिंग और माप अप्लाई में और इतनी अच्छी क्वालिटी वाले वर्क और अच्छे अच्छे आप दे देंगे 70,000 में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो 1-1 लाख के मिलते हैं। और एक चीज अच्छी है कि इस पे कॉम्पोजिट मार्बल लगा रखा है, जो सर ने बताया कि कॉम्पोजिट आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल जो होता है वो झड़ता है, झड़ता है। और इसमें अगर आपने बताया लाइट लगा दो, बैकलाइट करता है, दिखता है लाइट, इसमें भी दिखेगा, तो आप लगा सकते हैं इसमें लाइट? हाँ जी हाँ जी, लाइट लगा सकते हो, लाइट का यदि ऑप्शन होना तो बीच में ऐसा कुछ करके थोड़ा सा गैप रख के बीच में पूरी लाइटिंग कर देंगे, साइडों में पूरी लाइटिंग आ जाएगी। अच्छा, तो जाएगा। उसका क्या चार्ज होता? चार्ज उसका ज्यादा चार्ज नहीं होता, वो तो रीजनेबल ही होता है, रीजनेबल हो जाएगा, रीजनेबल होगा। चलो ठीक है, वही फैब्रिक हमारा इस पे, इस फैब्रिक पे क्विल्ट करी गई है, जो पहले फैब्रिक था उस पे ऑलरेडी क्विल्ट थी, वो क्विल्टेड वाला फैब्रिक ये की हुई है जी जी। इसमें एक चीज फर्क आया मेरे को जो लगा, इसमें हमने गोल्डन कैप लगा दी, उस कटिंग हमने सिल्वर की दिखा दी। हाँ जी हाँ जी। अगर चाहे तो आप सिल्वर कैप बोले सिल्वर भी, हाँ हाँ, या गोल्डन कटिंग बोले गोल्डन कटिंग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा 70,000 रुपए का, 70,000 रुपए का 5x3 का टेबल हो गया, जिसपे 6 चेयर हमें मिलेगी। हाँ। ठीक है, और एक और है हमारे पास, ये दिलवाली ही है जो चेयर है, 6x3.5 में है ये भी, इसमें भी अपना टॉप में डिजिटल ग्लास, हाँ डिजिटल ग्लास है, और इसके भी लेग्स आप देख रहे हैं, लेग्स में पूरा सेम जैसे इसके इसके लेग्स है ना, सेम उसी की लेग्स के हिसाब से उसको किया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें भी पीयू पॉलिश है, आप देखिए चमक बताती है। हाँ, बिल्कुल। हार्ट शेप हमारी चेयर हो गई, मतलब इस चेयर की काफ़ी अच्छी शेप लग रही है, वो काफ़ी स्पेशल बिल्कुल लग रही है देखने में। ये हमारा 60,000 का है, तो ये 60,000 रुपये का। हाँ जी हाँ जी, आपको एक कार्विन वाला दिखाया था ना पहले, वो 75,000 का था। हाँ जी, इसमें कार्विन हुई थी, ये 75,000। हाँ जी हाँ जी, ये 60,000 का है, सेम साइज सेम है, 6x3.5 है। अच्छा, सेम वही दिल वाली ठीक है, चेयर है ठीक है। हाँ, फैब्रिक की चॉइसेस अनलिमिटेड है मेरे को पता। हाँ, है जी बिल्कुल बिल्कुल, फैब्रिक हो या उसका कलर हो, चॉइस बहुत है यहाँ पे। बात आती है जैसे इस पे आपने टॉप पे ग्लास लगा रखा है, ग्लास लगा रखा, अगर कोई इसी पे इटालियन या ऑनेक्स बोलता तो हाँ उसका क्या चार्जेस होता एक्स्ट्रा? सर उसमें समझ लो ना अंदाजन 1,000 रुपये फुट का आता है सर। अच्छा अच्छा, और ये 200-250 रुपये फुट का होता है, तो मतलब 800-750 रुपये बढ़ जाएगा। हाँ, 18 से 20 फुट हो जाता है, तो उतना जो डिफरेंस होता है वो लगभग 15,000 रुपये बढ़ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 15,000 रुपये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 60,000 रुपये का है, जिसपे डिजिटल ग्लास लगा हुआ है, हाई ग्लॉस प्योर हो गया हमारे इस पे। ठीक है, और सर ने पहले ही बता दिया है कि प्राइसेस आर नेगोशिएबल, जो हमारी वीडियो सुनाते हैं सर उनके लिए नेगोशिएबल है, ऑफलाइन मार्केट से आते हैं तो मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, दे या ना दे मुझे नहीं पता, वो तो सर के ऊपर है। तो ये काफी सुंदर लग रहा है, इसका बताइए। हाँ ये भी है, ये हमारी सेल आउट हो चुकी है, अच्छा ये बिक चुकी है। हाँ ये बिक चुकी है सर। अच्छा, अभी जो काफी चल रही है ऊपर ही मिलेगी। हाँ ये काफी चलती है, ये हम डायमंड वाली कहते हैं इसको जी। हाँ डायमंड वाली चेयर कहते हैं, डायमंड वाली, सेम उसी ये पाए में सेम कर्व देते हैं हम, सेम सेम पूरा डिक्टो जो होता है ना जी, उसकी उसी तरह से। और इसमें भी ऑनेक्स मार्बल लगा हुआ है। ठीक है, हाँ ये हमारा प्री ऑनेक्स हो गया हमारा। हाँ, ऑफ वाइट भी कह सकते हैं, हनी भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, दही के बारे में साइज वाइज, तो ये साइज 6x3 का है। अच्छा, इसमें 5x5 के पाए हैं, बहुत हैवी पाए दिए हुए हैं। 5x5 आप देखो, आप 5x5 के पाए हैं, बहुत हैवी है और प्योर टीक के हैं जी जी। मैं आपको है ना इसका रो भी दिखाऊंगा, आप रो देखेंगे ना, आप यदि अभी अभी आप थोड़ा सा वहाँ चलिए, वो रो भी पड़ा हुआ है 5x5 में, सेम प्योर टीक में, जो एमपी टीक होता है ना, ये एमपी टीक में है सर सारा जी जी। इसका लालपन, इसका कालापन, इसके रेशे साफ चमक रहे, ये एमपी टीक की पहचान। और ये कार्विन की, जो कार्विन की हमने बताई, वो कार्विन वाली भी ये रो में आप देख लीजिए जी जी जी, पूरी सागवान में। हम थोड़ा सा इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद ही हम इसको अच्छा पॉलिश वगैरह करते हैं। हाँ जी सर, सागवान में तो तेल छूटता है, तो सागवान तेल छोड़ती है। मेन जो सागवान एमपी की सागवान होती है ना, उसी में छूटता है, क्योंकि एमपी की सागवान का एक रीजन है, एमपी की जो सागवान होती है ना वो पहाड़ों में होती है। अच्छा,
और पहाड़ में जो पेड़ होगा ना जी, उसको पानी खींचने के लिए बड़ा दम लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा तो उतना ही ताकतवर होता है पेड़ वो। अच्छा अच्छा और उसमें धीरे 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 ऑयली हिस्सा होता है, क्योंकि कुछ तो क्या होता है, पानी जब खींचता है ना बीच में उसके एक वो रहता है पानी खींचने का, जो भी पेड़ होता है हर एक पेड़ में होता है। हाँ जी, तो बीच में से जो खींचता है ना तो उसमें धीरे धीरे क्या कंकड़ जैसे भी आ जाते हैं। अच्छा। कभी कभी ये पेड़ चिरता है ना तो उसमें बीच में हल्के से बारीक कंकड़ का भी वो अनुभव होता है उसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये बहुत ही रेयर होता है और MP में सारे पहाड़ है जी जी, तो पहाड़ों में ये होते हैं। अच्छा, तो एक और चीज है सागवान का, आपने बोला कि इसको सूखने के लिए छोड़ा, एक चीज ये भी होती है पॉलिश करने से बाद इस पे इपॉक्सी मारी जाती है, अगर मतलब कुछ सेल्फ कलर कर रहे हो जैसे व्हाइट प्यू कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उस पे इपॉक्सी पहले मारी जाती है फिर बाद में व्हाइट प्यू मारा जाता है, क्योंकि वो येलो पड़ जाता है, येलो पड़ जाता इपॉक्सी ना मारे तो। इपॉक्सी मारना तो बहुत अच्छा ही है, इपॉक्सी यदि यदि कर दी ना तो उसके बाद तो समझ लो एक टाइट ही हो गया, उसमें कुछ नहीं होना, ना क्रैक पड़ना ना कुछ नहीं होना। हाँ, वो पकड़ के रखता है फिर जोड़ को या क्रैक को, है ना, पकड़ के रखता है, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं होना उसमें। हाँ जी, तो वापस आते इसी टेबल पर। हाँ जी, हाँ जी, इसी इलेक्शन में 5x5 में। हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से पूरी सिल्ली ली जाती है बनाने के लिए। हाँ, ये पूरी 5x5 की सिल्ली ही आती है। अच्छा, सिल्ली आती है, फिर ये सारा इसको कार्बिन वगैरह है या खराद करवाया जाता है, खराद है, सारा होता है इसी। अच्छा, में ये काफी अच्छा लगा, वो चेयर्स के प्लस टेबल के लेग्स दोनों के सेम दे रखे हैं कॉम्बिनेशन। ये हमारी हॉट सेलिंग में जाती है बहुत कुर्सियां, ये और ये डाइनिंग और कुर्सी बेची है। मैं बताऊं ये ना एकदम सिंपल सा, ये सिंपल और कितना सुंदर लग रहा है काफी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको देहरादून भी भेजा हुआ है। अच्छा, सेम इसी को। अच्छा, देहरादून भी गई हुई मेरी। तो वैसे मैं अभी जा रहा हूँ, अगले महीने देहरादून जा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं ये बिक चुका है टेबल आपका, अगर कोई जो अभी देख रहे हैं उनको चाहिए तो सर उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है, अभी लेबर भी गांव गई हुई है सारी। अच्छा अच्छा, और शादी वगैरह रहती है ना तो गांव में चली जाती है, तो अभी अब आना शुरू होगी। अच्छा। 30 तारीख के आसपास से सारी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेबर। अच्छा। तो जैसे ही आती है तो हम ये 10 दिन में दे देते हैं बना। अच्छा, मतलब चलो 10 दिन नहीं, आप 2 हफ्ते भी ले लो मैक्सिमम, 2 हफ्ते थोड़ा काम होता है सर, 15 दिन जितने चीज बनाने में टाइम दिया जाए ना बहुत अच्छा होता है, आराम से बनाओ, तसल्ली से बनाओ, चीज अच्छी बनती है। तो 2 हफ्ता मैक्सिमम मान लेते हैं। तो इसका प्राइस आपने क्या बताया? ये सर हमने 75,000 की, 75,000 का पूरा। अच्छा, और मेरे ख्याल से ऑनेक्स सारा आ गया। ठीक है, विद ऑनेक्स और कस्टमाइजेशन तो जैसे मर्जी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी इसमें, जैसे जैसे पहले भी मैंने बताया, फैब्रिक जैसा मर्जी, बैक पर जैसा मर्जी डिजाइन दे दो, कौन सा मर्जी कलर ले लो। साथ ही साथ जैसे इसमें अभी मैक्सिमम सब पे नेचुरल हो रखा है ना, नेचुरल है सब पे टेबल पर, तो इनमें हम कोई भी कलर करवा सकते हैं। हाँ, इसमें आप इले वर्क भी करवा सकते हैं टेबल पे, कह रहे हो ना, नहीं इस पे इस पे आप नेचुरल भी करवा सकते हो और भी कोई करवा सकते हो, जैसे मर्जी पॉलिश करवा सकते हैं। इनले की आप बात अपने चलो छेड़ी। हाँ, तो अगर इसमें बीच में इनले वर्क करवाते हैं तो उसका क्या चार्जेस होता है? जैसे इले वर्क करवाते हो ना तो 150 रुपये स्क्वायर फीट का इले वर्क होता है, जैसे पूरा साइडों में जो करवाते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा वर्क होता है तो उसका अलग होता है। अच्छा, चलो जैसे कि ये अभी प्लेन है, ये खाली छोटी पत्ते स्ट्रिप्स लिए हमने बस, तो बॉर्डर बनाई है छोटी सी। हाँ, तो ये पूरा जैसे 6-3 का है ना, 18 फुट हो गया, 18 फुट है, तो 150 से 200 रुपए फुट का इले वर्क हो जाता है, लेकिन इले वर्क करने के लिए इसको पॉलिस्टर करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिना पॉलिस्टर के इले वर्क नहीं होगा ना, क्योंकि पहले इसको है ना वर्क करा जाएगा। हाँ, काटा जाएगा उसमें इले करके, हाँ, फिर उसको पॉलिस्टर की जाती है। पॉलिस्टर का 350 से 400 रुपए चार्ज होता है। अच्छा, मतलब स्क्वायर फीट का 150 अलग हो गया, 350 अलग हो गया, 500 रुपए के प्लस हो जाता है इसके ऊपर, 500 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ प्लेन ले लो, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है, तो आप क्या दिखा रहे हैं इसके बाद? बस यही सेम इसी टाइप की ये है, ये दोनों भाइयों की है, सिर्फ उन्होंने क्या किया ऊपर का हिस्सा अलग चेंज करवा दिया। जी जी जी। ये भी सेल आउट हो चुकी है हमारी। अच्छा, सेल आउट। ये ऊपर इन्होंने हार टाइप का करवा दिया, तो इसको हम हार वाली कहते हैं सर। ये चेयर है ना, ये मैंने ना अपनी पहले वीडियो में भी दिखाई है चेयर। हाँ हाँ, इसे कैबरियल चेयर बोला जाता है, मैं अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ ये। अच्छा, डाइनिंग टेबल ये वाला, ये चेयर दिखा चुका हूँ, तो आपसे एक बार इनका प्राइस पहले पूछना चाहूंगा। चेयर का क्या, पूरे सेट का क्या? जैसे ये है ना 6500 की है, 6500 रुपये की आप दे रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही दिखाया जो पहले दिखाया था। तो और ये पूरे सेट का क्या हो गया? ये 75,000 का ही सेम पूरा, ये पूरा 75,000 का आप दे देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। डिजिटल 60, ऑनेक्स 75, ये 75। ठीक है, अभी ये हमारी तैयार हो रही है, और भी ये डाइनिंग है। अच्छा, ये इस पर डिजिटल प्रिंटिंग आया, डिजिटल प्रिंट वाला ही क्लास आएगा। अच्छा अच्छा, और इसकी चेयर आएगी, ये 45,000 की पड़ेगी आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब आप लोगों की खुद की अपनी चॉइस है, आप टॉप पे कोई मार्बल ले लीजिए इटालियन, या ऑनेक्स ले लीजिए, या डिजिटल ग्लास ले लीजिए, या सर अगर अगेट्स भी करते हैं आप, अगेट्स भी देते हैं, इससे मार्बल आते हैं, चिप आती है अगेट्स की, पूरे एक स्लैब बनाया जाता है। यदि कस्टमर मांगता है तो हम उसके डिमांड को पूरा कर देंगे। ठीक है ठीक है, दे देते कस्टमर के ऊपर है। जी जी जी, आपने सबके
प्राइजेस बता दिए पूरे सेट के, अब जल्दी से सर एक चेयर्स के प्राइस बता सकते हैं सिंगल सिंगल चेयर्स के? जैसे सिंगल चेयर्स में जैसे कि इससे स्टार्ट करते हैं, रखिए आप। हाँ, ये पड़ी है हमारी, ये आपको पड़ेगी 6000 रुपए की। ये 6000 रुपए का बहुत बढ़िया चेयर है, ये भी लेक्स, लेक्स इसके टीक में ही है। हाँ जी, हाँ जी, और SS की कैप लगी हुई है। अच्छा, पाइपिंग और के शीट लगाए। हाँ, और ये साइड से इतना अच्छा इसका शेप है, ये फ्लेक्सी चेयर, फ्लेक्सी फ्लेक्सिबल प्लान है हमारी। तो ये 6000 रुपए की होगी, और जो आपके पीछे रखी है ये सर 4500 रुपए की पड़ी। अच्छा, ये 4500 की होगी, बिल्कुल। और इसके साथ एक और जल्दी से एक, हाँ जी सर, ये 6500 की है आपकी, ये 6500 की होगी, ये 6500 की, ये 4000 की, हमारी सारी 6500 की है, ये भी सेम उसी रेंज की पड़ेगी, ये भी 6500 वो 6000 रुपए की आपकी, वो 6000 रुपए की। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं प्राइस इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी का ऑलरेडी टेबल होता है घर में, बिल्कुल, खाली चेयर्स बता। और ये इस टाइप की चेयर चाहिए तो ये सर 3500 रुपए की है ये हमारी सर, जबरदस्त, मतलब ये 3500 मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को ना यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है और प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल होते हैं। ये 3500 रुपए आप दे देंगे? दे देंगे। ये तो कुछ कुछ लोग खाली रॉ ही 3500 के देते हैं, सागवान नहीं, सागवान ये प्योर सागवान में है सर। यहाँ पे कीर्ति नगर में प्योर सागवान को सोना बोला जाता है। हाँ जी, सोने के भाव पे बेचा जाता है, पर आप इतना अच्छा दे रहे हैं कि 3500 की पूरी तैयार करके दे रहे हैं आपसे। और ये वाली जो हमारी ये थी, ये तो सर सेट ही आता है, इसमें तो अलग से नहीं होती है, उसी की हाइट पे हमारी, इसी की हाइट से जाता है ना, ये तो सेट ही, ये काफी अच्छा लगा मेरे को। तो मेरे ख्याल मैक्सिमम हमने सब दिखा दिया। हाँ जी। तो सर आपने जैसे कि चेयर्स की भी प्राइस बता दिए, सारे पूरे सेट की भी प्राइस बता दिए, टेबल विद चेयर्स, ठीक है, और प्राइस तो बताए और क्वालिटी भी दिखाई। हाँ जी। और ये बताइए आप इतना सस्ता कैसे दे देते? सर ऐसा है, हमारा आपको भी पहले मैंने बताया था, हमारा जो लकड़ का काम है ना वो पुछते नहीं है। अच्छा। हमारा अगर MP में भी हमारे आरा मशीन है जी, तो वहाँ से सारी लकड़ चिरके आती है बाकायदा, और यहाँ हमारे पास स्टोर है, हम माने रो भी बेचते हैं लकड़ में, लकड़ है, प्लाईवुड है, ये हमारी MP टीक। अच्छा। सारी रो भी बेचते हैं, और फिर ये फर्नीचर का भी, फर्नीचर में भी यूज करते हैं, तो आगे से हमारी खुद की वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है समझ लो एक तरह की। अच्छा, अच्छा। लकड़ की। हाँ जी। लकड़ वो हमारी यहाँ आती है तो वो सस्ती पड़ जाती है, और हमारा खुद का ही ऊपर पूरा वर्कशॉप है, एक बार पहले भी मैंने आपको हमारी वर्कशॉप है ऊपर दिखा रखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी हम दिखा देंगे हमारा वर्कशॉप में कैसे डाइनिंग में बनती है, क्या होता है, वो भी मैं अभी 2 मिनट पहले आपको ले चलूंगा वहाँ, 2 मिनट में तो देख लेना आप वहाँ, तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम इतना सस्ता, हमारे रीजनेबल होता है, क्वालिटी प्लस रीजनेबल दोनों, क्योंकि क्वालिटी होगी तो महंगा हो जाता है, तो क्वालिटी में सस्ता क्यों हो रहा है इसका रीजन यही है। तो आइए मैं आपको ऊपर ले चलूँ। जरूर जरूर। उससे पहले जैसे मेरे को ये तो पता था कि आपका अपना स्टोर है। हाँ। आप टिम्बर आगे उसमें बिजनेस करते हैं, आगे बेचते हैं सागवान का पूरा, आपका ट्रक के ट्रक उतरते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे पहली बार पता लगा कि आपने बताया कि पीछे भी आप ही का है। हाँ जी, आप पीछे ही पेड़ खरीदते हैं, खुद ही अपनी कटवाते हैं और यही खुद अपना मंगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वो मेरे को पहली बार पता लगा। अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आप क्यों इतना सस्ता देते हैं कि पीछे से आपके पास सर, आपके कोई मीडिएटर बीच में नहीं है, नहीं आप शुरू से लेकर आखिर तक आप अकेले ही है तभी। तो चले फिर फैक्ट्री चलते हैं। हाँ, चलिए आइए आइए। जैसे आगे भी हमने बताया था हमारा स्टोर, यहाँ हम इसको स्टोर करते हैं जी, कुछ आइटमें जो रेगुलर हमारी चलती है ना। अच्छा। उसको हम स्टोर करते हैं सूखने के लिए, क्योंकि अच्छा। सूख जाए इसलिए। अच्छा। हाँ जी। ये देखिए आपकी जो टेबलें वगैरह जो नीचे हमने बताई, ये सारी पॉलिश होती है यहाँ। अच्छा। हाँ सर, ये बड़ी अच्छी चेयर लग रही है मेरे को, ये वाली कि रॉ भी देख सकते हैं। हाँ। इसकी सागवानी पहचान, कालापन, रेशे, लालपन बोला जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए आपकी, ये हमारी एक चेयर बनती है, पिछली बार भी हमने दिखाई थी पहले वीडियो आपको, पहले वीडियो में दिखाई थी, पॉलिश में दिखाई थी, ये विदाउट पॉलिश है। तो ये चेयर लोगों को कैसी लगी? आप बहुत अच्छी है सर, इसकी डिमांड तो आ रही है, मतलब आया इसका ऑर्डर आया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रॉकिंग चेयर, तो ये आप रॉ भी देते हैं? नहीं, रॉ में सर नहीं देते, हम रॉ में डील करते हैं, पूरा तैयार कर देते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और, सॉरी आपका इतना टाइम ले रहा हूँ। हाँ, नहीं कोई नहीं। ये राउंड वाली चेयर। हाँ जी, ओवल जिसका ये ओवल ओवल शेप है। तो इसका बताइए प्राइस क्या रहता है तैयार करके? सर ये वही अपना 11000 रुपये पर चेयर के हिसाब से पड़ती है। अच्छा, 11000 रुपये। ये इतनी महंगी क्यों वैसे? सर इसमें ये ओवल में है ना, पूरी टीक का है। अच्छा। ये पूरा राउंड में आता है ना। अच्छा। तो लकड़ ज्यादा लगती है। अच्छा, वेस्टेज वेस्टेज ज्यादा होती है ना इसकी। अच्छा। राउंड में जो होती है ना, वेस्टेज ज्यादा होती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, उस हिसाब से होता है। ठीक है। और वो डाइनिंग है, आपने मैंने दिखाई थी कार्विन वाली। हाँ जी, सेम वही है। ये आप देखो, इसके रेशे वगैरह देखो, पूरा टीक में
कहीं जरा सा भी नहीं होगा, आगे भी पड़ी हुई है, ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है ठीक है, हमारे पास ये सूखने के लिए पड़ी रहती है डाइनिंग। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे फ्रेम्स बना के यहाँ स्टोर करे जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पॉलिश करी जाती है और वहाँ पे पीछे अपोस्ट्री होती है। पॉलिश करके यहाँ जैसे पॉलिश हो जाती है ना, हाँ जी, तो इसमें जैसे धूल मिट्टी कण ना लगे, इस वजह से इसमें अच्छा यहाँ रख दी जाती है। हाँ जी, स्टोर कर देते हैं ये पॉलिश में। क्या बात है, ये वही अपनी चेयर आ गई। हाँ, जो अभी वही आ गई आपकी, देखो चेयर। मैं तो चेयर का दीवाना हूँ सर, फैन हूँ बहुत ज़बरदस्त। ये चेयर का प्राइस बता दीजिए एक बार दोबारा। सर ये 15,000 की पड़ती है। ये 15,000 रुपये की अराउंड चेयर आपको मिल जाएगी। ज़बरदस्त, ठीक है। तो वेयर हाउस भी दिखा दिया, वर्कशॉप भी दिखा दी। ये हमारे ऑर्डर की है ये चेयर। अच्छा, अब मैं आपको टिम्बर का जो भी मेरे आती है ना लकड़, वो आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यह आपका टिम्बर। हाँ जी हाँ जी, दूर दूर तक सागवान ही सागवान। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बताइए। आइए, आपको आगे से पहले मैं आपको जो एमपी टीक सारी आती है ना, वो सारे उसके रेशे कैसे क्या होते हैं, मतलब सर इसकी हाइट कितनी है इसकी? 12 फुट से आसपास होगी ये। 12 फुट से ज्यादा लग रही है मेरे को। 12 फुट से ज्यादा होगी ये। 13 फुट है। हाँ, तो बताइए। अब ये हमारी है 5, जैसे वो लगती है ना फ्रेमिंग लगती है जी। फ्रेमिंग जो लगती है दरवाजों में। अच्छा। जो डोर्स बनते हैं उसकी ये टीक लगती है। ये आप इसके रेशे देखो सर। अच्छा, आप इसको नजदीक से थोड़ा दिखाओ इसके रेशे। पता है क्या, कैमरे में काफी ब्राइट लग रहा है, पर ये अभी सामने नेचुरल में थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा डार्क है, पर इसमें काफी ब्राइट है। वो ऐसा होता है ना जैसे पेड़ के हिसाब से होता है, कोई डार्क होता है कोई लाइट होता है। अब जैसे ये वाला है, आपको ये देखो, ये डार्क होता है, कोई इस तरह के रेशे पसंद करता है। ये देखो आप, है ना। अब नीचे देखो पूरा बिल्कुल जी। ये आप इसको देखो। ठीक, तो इसी तरह से हमारे पास सारी आइटम होती है, जैसे फर्नीचर में लगती है और जैसे अपने डोर्स वगैरह में लगती है। हाँ, इस तरह से सारा हमारा ये अलग अलग है। जैसे चौकटों में लगती है, छेड़ाई वगैरह की होती है। अच्छा। छेड़ाई होती है वो भी चौकटों में जो लगती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। ये सारी वही है, ये पूरी सागवान है, एमपी टीक है सर। ठीक है ठीक है। हाँ, बिना एमपी टीक के हम कोई और रखते नहीं है। थोड़ा बहुत, हाँ, कोई कस्टमर आते हैं ना जो कहते हैं कि भाई अफ्रीकन टीक चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा हमने अलग ही रखा हुआ है, वो मैं आपको क्या बाद में बताऊंगा उसको, है ना। तो बस एक चीज पूछना चाहूंगा, अफ्रीकन टीक अपने इससे सस्ती रहती है क्या? हाँ जी सस्ती रहती है सर, काफी फर्क है सर। कितना फर्क आता है? 10-5 सर, इसमें 3 गुने का फर्क है समझो। 3 गुने का फर्क। हाँ जी हाँ जी, ये 1600 रुपए है तो ये आपकी 4000 रुपए है। अच्छा। हाँ जी, इतना फर्क आ जाता है सर। ठीक है, तो ये आप ये भी काफी देखो। हाँ, ये सारी एमपी टीक है सारी जी। ये पूरी पड़ी हुई है ना एमपी टीक है सारी। इसीलिए सर का फर्नीचर इतना सस्ता और इतना रिलायबल, इतना मतलब क्वालिटी अश्योर्ड फर्नीचर सर का, क्योंकि इनकी खुद की अपनी दुकान है, लकड़ी की घर की खेती है, तो तभी सस्ता दे देते हैं। अब हम जैसे अब क्या है, लोगों की डिमांड भी होती है डोर्स की। हाँ जी हाँ जी, तो ये हम फ्लश डोर भी रखते हैं। अच्छा, फ्लश डोर। हाँ, ये न्यूजीलैंड पाइन में होते हैं, प्योर न्यूजीलैंड पाइन का सारा पूरा जो इसके अंदर है न्यूजीलैंड पाइन है, पूरी न्यूजीलैंड पाइन है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, 100% लिखा हुआ भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये 30 mm में आते हैं। अच्छा, 30 mm। हाँ, और गारंटी है और डबल कोर है। ठीक है, लगभग हमारा 7 inch हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 7 inch के आसपास। और इसका चौड़ाई डायमेंशन, चौड़ाई अलग अलग होती है सर। जैसे ये हमारे यहाँ जैसे चलता है ना 90 चलती है और 95 चलती है, माने 7.5 फुट और 8 फुट के डोर चलते हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से ही होती है। और जैसे बाथरूम की चौड़ाई कम होती है तो उसका कम होता है, 30 inch का होता है। अच्छा, कोई 32 inch होता है, कोई 36 inch होता है, इस तरह से अलग अलग इसमें होती है। हाँ, तो ये हमारे डोर्स वगैरह में लगते हैं, और जैसे फर्नीचर में और प्लाइयाँ वगैरह लगती हैं, वो भी हम होलसेल में परचेज करते हैं। और ऊपर पड़ी है, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। और ये हमारी यहाँ प्लाई वगैरह 18 mm की प्लाई होती है। अच्छा। स्टैंडर्ड प्लाई रखते हैं जो हमारे बेड में, सोफ़ों में और डाइनिंग के टॉप में लगती है ना, वो सारी हम यहीं से यूज़ करते हैं। हम कहीं तो जैसे आजकल आती है ना वो कटिंग, प्लाई कटिंग होती है, जबड़ा होता है जी, तो हमें तो नाम भी नहीं बनते हो, वो सारी लगा के और सस्ता करके बेचते हैं, वो हमारा काम नहीं है सर। आप ये देखो सर, मैं एक बात बताऊँ, आप जी आपने बोला ना प्लाई कटिंग बोर्ड, जबड़ा हाँ, बोर्ड हाँ, और ये प्लाई, हम पता करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो डिस्प्ले मैंने ऊपर बैठ सके सारे बैठ सिखाएंगे। बिल्कुल, फिर लोगों को अच्छे समझाएगी प्लाई कटिंग बोर्ड, जबड़ा बोर्ड और प्लाई में क्या फर्क होता है। मैं एक एक पीस ला दूंगा, ला के रख लूंगा अपने पास। हाँ, वो तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताइए, तभी हाँ, लोगों को पता लगेगा कि
प्लाई वाले बोर्ड महंगे क्यों होते हैं, प्लाई कटिंग और जबड़ा के बोर्ड सस्ते क्यों होते हैं? बिल्कुल, क्वालिटी का फर्क होता है, कोई फर्क होता है। अब ये 60 से ये प्लाई जैसे आती है तो ये 65 रुपए के आसपास आती है, अब जबड़ा जो होता है वो 35 रुपए मिलेगा, सीधा कितना फर्क आ गया सर? प्लाई देखो 65 बताया आपने, मैंने जो प्लाईवुड आती है ग्रीन प्लाई की आती है वो 100-110 मैंने वो ही पूछा, 100-110 की भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ प्लाई जैसे आपने था 65 रुपए को 60 रुपए भी आता है, वो जो प्लाई कटिंग बोर्ड है 31-32-35 ऐसे कुछ आता है, वही 35 वही कह रहा हूँ मैं, 35 वो आता है। मैंने क्योंकि सर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं पूरी मार्केट घूमता रहता हूँ और प्राइस पूछता रहता हूँ ताकि मैं अपनी वीडियो बता सकूँ। मेरे से ज्यादा आपको ज्यादा पता होगा इस सब? नहीं नहीं सर, आपको ज्यादा पता सर, क्योंकि आप घूमते हो ना, इसलिए आपको प्लाई कटिंग का रेट ये वो, हम तो अब एक जगह है ना, हमें तो इसी का पता है। जी जी, तो आपको ज्यादा नॉलेज बढ़ती है। मैं अपनी नॉलेज के लिए बस ये पूछता हूँ ये सर, तो आप नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात, ठीक है सर। जैसे कि आपने अपने पूरे डाइनिंग टेबल्स सेट का पूरा डिस्प्ले भी दिखा दिए, उनकी क्वालिटी दिखा दी, उनके प्राइस बता दिए, बिल्कुल, साथ ही साथ अपनी फैक्ट्री वर्कशॉप दिखा दी, कहाँ स्टोर होता है कहाँ बनता है वो भी दिखा दिया, और उसके जो मेन जो चीज़ थी आप क्यों इतना सस्ता देते हैं क्योंकि आपका अपना टिम्बर स्टोर है, वो भी आपने दिखा दिया हमें, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने हमारी दो वीडियो आगे बनी है उसमें जो प्यार दिया, जो रिस्पॉन्स दिया, वैसा ही आगे देते रहें, और जो आप कहेंगे जैसा आपका टेस्ट होगा वैसा हम बना के देंगे, और जितना हमसे रिजनेबल हो सकेगा उतना हम करके आपको देंगे, और हमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 ऐसे बढ़ना है। इसलिए आप, मैं व्यूअर्स को और मेरे जो क्लाइंट हैं जो मेरे आगे जो मेरे बन चुके हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया और उनके थ्रू भी मेरे पास काफ़ी कस्टमर आए। अच्छा अच्छा, हाँ। और आपके चैनल को तो फिर से मैं थैंक यू कहता हूँ कि वाकई ये जो मेरा छोटा सा शोरूम है, मैं इसको बड़ा बहुत नहीं कहूँगा, छोटे से शोरूम के लिए आपने लाखों का समझ लो ना दान दे दिया, ये कह सकता हूँ। नहीं, 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 नहीं सर, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वो मिलेगा। नहीं नहीं, और मैं एक चीज और बता दूं कि मेरा चैनल बहुत छोटा था और आपका शोरूम बहुत बड़ा है सर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं साफ बोलता हूँ, और जिसके भाग्य में जो लिखा है जो प्रश्न चार्ज जिसको जो देना वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। तो आपने बताया कि पहले जो क्लाइंट हमारी वीडियो से लेके जा चुके हैं, अभी फिलहाल वो लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट दीजिए इस वीडियो पे कि आपको कैसे यहाँ की कस्टमर डीलिंग लगी, यहाँ का प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी लगी। तो वो मैं अपने जो है मेरे जो कस्टमर बन चुके हैं, जो मेरे इस परिवार में NL फर्नीचर्स के थ्रू मेरे परिवार में जुड़ चुके हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई अपने कॉमेंट्स में थोड़ा सा जो भी हो मेरे बारे में जैसा आपको फील हुआ हो, हाँ जी हाँ जी, वैसा आप वहाँ जी कर सकते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि एकदम रियल वाला कमेंट देना। हाँ जी बिल्कुल, ये नहीं कि जबरदस्ती अच्छे वाला, अगर आपको बुरा लगा तो बुरा बताइए, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए हर बार कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लाता रहूं। धन्यवाद।